दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि आपका आधार कार्ड कहां कहां पे इस्तेमाल किया गया है और आपका आधार कार्ड कहां कहां पे लिंक है? दोस्तों, यह पता होना आपको बहुत ही जरूरी है, नहीं तो दोस्तों आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है। तो कैसे आप सभी जो कि अपना आधार कार्ड पता करेंगे कि कहां कहां पे लिंक है, यानी कि कहां कहां पे ऑथेंटिकेशन जो कि किया गया है, आप कैसे जो कि पता करेंगे? तो पता करने के लिए दोस्तों आप सभी जो कि अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप से पता कर सकते हैं। चलिए हम अपने मोबाइल फ़ोन पर चलते हैं, वहाँ बिल्कुल लाइफ जो कि दिखाते हैं किस तरह से आप सभी जो कि अपना आधार कार्ड कहां कहां पे लिंक है, यानी कि कहां कहां पे इस्तेमाल किया गया है, वहां पे पता कर सकते हैं और दोस्तों जो कि फ्रॉड से बच सकते हैं। तो चलिए अपने मोबाइल फ़ोन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे आ चुका हूँ। आप सभी जो कि अपने मोबाइल फ़ोन पे आ जाएंगे और अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करेंगे, जैसे कि मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। तो हमने जो कि गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिए, ओपन करने के बाद जो कि सर्च में आपको टाइप करना है यहाँ पे आधार कार्ड या माई आधार, या आपसे वेबसाइट पर जा सकते हैं UIDAI.gov.in, इस वेबसाइट पर भी आप डायरेक्ट जो कि जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं टाइप करूँगा माई आधार, तो यहाँ पे मैंने जो कि टाइप करके सर्च कर लिए और यहाँ देखिए ऑप्शन वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए जो कि UIDAI.gov.in और यहाँ पे हम जो कि क्लिक करेंगे माई आधार, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो कि देखेंगे इस तरह से जो कि ऑप्शन वेबसाइट पर आपसे जो कि आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम जो कि ऊपर चलेंगे। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे आधार अपडेट हिस्ट्री, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे हम जो क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पे कैप्चा देख रहे हैं, कैप्चा या जो कि भरेंगे और लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करेंगे। चलिए हम जो कि यहाँ पे अपना आधार नंबर कैप्चा और लॉगिन OTP पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने जो कि यहाँ पे आधार नंबर कैप्चा भर दिए, लॉगिन विथ OTP पे हम क्लिक करेंगे। हमने जो क्लिक कर दिए, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड नंबर है, यानी कि रजिस्टर्ड नंबर है, उस पर जो कि OTP आएगा आधार की तरफ से। देखिए OTP यहाँ पे आ चुका है और OTP जो कि यहाँ पे हम जो कि इंटर करेंगे। चलिए OTP जो कि यहाँ पे इंटर जो कि कर लेते हैं, उसको जो कि आगे का प्रोसेस हम आप सभी को दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने जो कि OTP इंटर कर लिए, अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप सभी जो कि सक्सेसफुल जो कि लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद जो कि थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चलिए ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर सबसे ऊपर देख पाएंगे प्लीज सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन डेट रेंज टू फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट मॉडलिटी, यहाँ पे सेलेक्ट मॉडलिटी पे आप जो कि टाइप करेंगे, जैसे कि बायोमेट्रिक देखना चाहते हैं अपना या बायोमेट्रिक OTP देखना चाहते हैं। तो इस तरह से जो कि दिया गया है बहुत से ऑप्शन, या दोस्तों यहाँ पर डोमेस्टिक या डोमेस्टिक OTP, डोमेस्टिक एंड OTP देखना चाहते हैं, इस तरह से आप सभी जो कि सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ऑल जो कि देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऑल पर यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ऑल पर सेलेक्ट कर देंगे अब दोस्तों यहाँ पे नीचे देखो जो कि इंटर स्टार्ट डेट और यहाँ पे इंटर इंड डेट, यानी कि किस तारीख से लेकर किस तारीख तक यहाँ पे अपना जो कि हिस्ट्री देखना चाहते हैं या जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले जो कि इंटर स्टार्ट डेट यहाँ पे हम जो कि क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे चलिए अपना स्टार्ट डेट में दोस्तों जो कि सबसे पहले सन यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर डेट जो कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो कि यहाँ पे इंटर इंड डेट, तो यहाँ पे आपको कैलेंडर पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो कि यहाँ पे आप जो कि 2024 यानी कि अभी का जो सन है डेट है या जो कि मैं सेलेक्ट करूंगा आज ही का, तो इस तरह से आप सभी जो कि सेलेक्ट जो कि कर पाएंगे। करने के बाद जो कि सेट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो कि यहाँ पे फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद जो कि नीचे देखिए यहाँ पे आपका जो कि डिटेल यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे OTP से जो भी ऑथेंटिकेशन हुआ है 15% यानी कि 15.56% जो कि OTP से आपका यानी कि OTP से या जो कि ऑथेंटिकेशन हुआ है, इस्तेमाल जो कि किया गया आपका आधार कार्ड। उसके बाद जो कि बायोमेट्रिक से आप देख पाएंगे 84.44% जो कि बायोमेट्रिक से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी जो कि देख पाएंगे डोमेस्टिक यानी कि डोमेस्टिक से आपका कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं किया गया है, यानी कि जीरो है। तो यहाँ पे आप सभी जो कि देख पाएंगे, आप यहाँ पे दोस्तों नीचे जो कि देख पाएंगे कहाँ कहाँ पे आपका जो कि इस्तेमाल किया
गया, कहाँ कहाँ पे ऑथेंटिकेशन किया गया है। तो यहाँ पे सारा हिस्ट्री यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप सभी जो देख पाएंगे इस तरह से जो कि किस तारीख को इस्तेमाल किया गया, किस डेट को इस्तेमाल किया, कितने बजे कितना समय में जो कि इस्तेमाल किया गया, सब कुछ यहाँ पे जो कि दिखेगा। इस तरह से हिस्ट्री आप सभी जो कि देख पाएंगे। तो इस तरह से आप सभी जो देख पाएंगे और यहाँ पे जो कि नीचे आएंगे तो यहाँ पे और अधिक देखने के लिए तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, इस तरह से जो कि आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पाँच नंबर, छः नंबर पर पेज पर आप सभी जो कि हिस्ट्री अपना देख पाएंगे। अगर दोस्तों जो भी हिस्ट्री आपका है, सब ऑल हिस्ट्री अपना जो कि यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका पीडीएफ जो कि डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे देखिए डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो यह जो भी हिस्ट्री आपका है, सब हिस्ट्री जो कि एक ही बार में जो कि यहाँ पे डाउनलोड यानी कि पीडीएफ जो कि इसका डाउनलोड हो जाएगा। उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी बहुत ही आसानी से जो कि कर पाएंगे। इसलिए हम जो कि डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, डाउनलोड पीडीएफ पर। जैसे डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से देखिए यहाँ पीडीएफ जो कि डाउनलोड हो चुका है। पीडीएफ यहाँ पे और यहाँ पे देखिए जो कि मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन करने के लिए यहाँ पे पासवर्ड की यहाँ पे जरूरत है। तो पासवर्ड यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका नाम है, जो भी आपका शुरू से नाम जो भी है उसका शुरू का जो कि फोर लेटर यहाँ पे इंटर करना है और आपका जो भी सन है यानी कि जो भी सन है तो सन जो कि यहाँ पे इंटर करेंगे। जो भी आपका जो कि सन है और जो भी आपका नाम है फोर लेटर और शुरू का जो फर्स्ट का यानी कि शुरू जो कि फोर लेटर यहाँ पे इंटर करेंगे और अपना जो कि सन यहाँ पे इंटर करेंगे या पासवर्ड आपका जो कि रहेगा। चलिए यहाँ मैं टाइप करके मैं दिखा देना चाहता हूँ इसको जो कि ओपन करके। जो भी दोस्तों अपना जो कि अपना नाम जो कि इंटर करेंगे वह सभी जो कि स्मॉल लेटर में जो कि होना चाहिए और उसके बाद जो कि सन यहाँ पे जो कि इंटर करेंगे, उसके बाद जो कि ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे देखिए पीडीएफ जो कि ओपन हो चुका है। इस तरह से आप सभी जो कि देख पाएंगे अपना जो भी हिस्ट्री जो कि देख पाएंगे कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल जो कि हुआ है यहाँ जो कि देख पाएंगे। अगर दोस्तों इनमें से आपको लगता है कि या जो भी इस्तेमाल किया गया वह जो कि आप नहीं किए तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं डायरेक्ट जो कि यहाँ पे आधार सेंटर में। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।